दोस्तों, मंजिल को सिर्फ देखते रहने से या फिर रास्तों में आने वाली परेशानियों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में अगर कामयाब बनना है, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, अगर अपनी जिंदगी को बदलना है, तो आपको सोचने के बजाय मेहनत करना होगा। जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम इसे बना देते हैं या फिर समझ लेते हैं। जिंदगी तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, बस जीने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने आज तक के लाइफ एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड में हो, आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, अगर आप 2 साल तक जी जान लगाकर उस फील्ड में मेहनत करते हो तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे, उस फील्ड के बाप बन जाओगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई इंसान सिर्फ 2 साल मेहनत करके कैसे किसी फील्ड में मास्टर बन सकता है। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। दोस्तों, किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे 2 साल में करते हो या फिर 10 साल में। दोस्तों, अगर आप आज से ही जी जान लगाकर डेली 12 से 15 घंटे हार्डवर्क करते हो तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आप 2 सालों में कहां तक पहुंच जाओगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि हमें कितनी मेहनत करनी है, लेकिन अब बात करते हैं कि हमें कैसे मेहनत करनी है। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करना है कि आपको किस फील्ड में मास्टर बनना है। उसके बाद आपको मेहनत करने की आदत डालनी है, और जब आपको आदत पड़ जाए तब आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। दोस्तों, ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। गोल सेटिंग करने से पहले आपको अपने गोल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, क्या आपको उस चीज में मन लगता है या नहीं लगता है, और अंत में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वहां तक पहुंचना कैसे है। अब जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाए तब आपको फोकस करना है मेहनत करने पे और मेहनत को आदत बनाने पे। ये करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है किसी भी इंसान के लिए। इसको करने के लिए आपको बस सिंपली 3 महीने तक डेली उस काम को करना है, चाहे आपका मन हो भी या ना हो, लेकिन आपको 3 महीने तक रेगुलर उस काम को करना है। अगर आप 3 महीने तक डेली उस काम को कर लेते हो तो आपको उसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद आप आसानी से उसे अगले 2 साल तक कर पाओगे। अब जब आपको उस चीज की आदत पड़ जाए तब आपको बस उस चीज को कंटिन्यू रखना है, ताकि आप 2 साल कंप्लीट कर लो और आप हमेशा कंसिस्टेंट रहो। पर याद रहे कि आपको बस 1 या 2 घंटे इस काम को नहीं करना है, बल्कि जी जान लगाकर मतलब 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक इस काम को डेली करना है 2 सालों तक। और अगर आप अगले 2 सालों तक इस काम को कर लेते हो तो दोस्तों, मेरा यकीन मानो, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो आज से ही, तो आई प्रॉमिस कि आप 2 साल में जो बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को और देखने के लिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि बी द ओनली वन और द बेस्ट वन।